Xiaomi 14 CV ऐसे यूनिक स्पेक्स एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो बहुत कम फोन्स आजकल प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में जानते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये फोन आपको कैसा लगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। अब ये फोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन होने वाला है, तो इसके कैमरा के बारे में जानना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसमें हमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें लाइका प्रोफेशनल कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें हमें 25mm सिनेमेटिक HDR वाला लाइका 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिल रहा है। प्लस में हमें 50mm मास्टर पोर्ट्रेट के लिए लाइका 50 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस दिया गया विद 2x जूम। एंड हमें 15mm 120 डिग्री वाइड कैप्चर्स के लिए दिया गया है लाइका 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। अब स्वयं की फोटो लेने के लिए इसमें हमें 32+32 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें हमें AI भी मिल जाता है। इसमें एक मेन कैमरा है एंड सेकेंड अल्ट्रा वाइड है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें टेलीप्रॉम्प्टर, 4K अल्ट्रा HD, फोकस स्विचिंग, शॉर्ट वीडियोस, डुअल वीडियो, रियल टाइम सबटाइटल, लाइका प्रो लट्स, पॉकेट मिरर, जूम स्मूथ रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा जैसे फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें हमें रियर में 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एंड 8K पे हम 24fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट में हम 4K पे 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद HDR। रिकॉर्डिंग में हमें अल्ट्रा नाइट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम 4K 24fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस में हमें स्लो मोशन वीडियो भी देखने को मिलती है, जिसमें हम 720p पे 1920fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई कैमरा होता है बैक में, तो बैक तो ऑसम होनी ही चाहिए। तो बैक में हमें नैनोटेक वीगन लेदर टेक्सचर मिलता है और ये पूरे के पूरे 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, जो कि है क्रूज ब्लू, मैचा ग्रीन एंड शेडो ब्लैक। और ये 6 गुना ज्यादा वियर रेजिस्टेंट है अपनी पुरानी जनरेशन से। बैक तो इसकी काफी अच्छी है, लेकिन डिस्प्ले इसका मस्त ही नहीं जबरदस्त है। इसके डिस्प्ले स्पेक्स सुन के आप भी खुश हो जाओगे। इसमें हमें 6.55 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला पंचोल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस। एस्पेक्ट रेशियो इसका 20:9 का एंड डेंसिटी 460 ppi। टच सैम्पलिंग रेट इसका 240 हर्ट्ज है एंड इसका डिस्प्ले हमें 68 बिलियन कलर्स एक्यूरेटली शो करेगा, जिससे इसके वीडियोस काफी प्यारे व्यू दे देंगे। इसमें हमें डॉल्बी विजन एंड HDR10+ भी मिलता है। प्लस में इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो फोन गिरने पे भी जल्दी नहीं टूटेगा। एंड इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। एंड इसके डिस्प्ले का एक यूनिक फीचर भी है, जो मैंने आपको लास्ट में बताने को कहा है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड इसका वेट काफी लाइट है, जो कि है 177 ग्राम्स ओनली। अब इसके प्रक्रमक की बात करें तो नहीं समझे, अरे मतलब प्रोसेसर, तो इसमें हमें एक लाजवाब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी पावरफुल है। इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 देखने को मिल रहा है, जो कि 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है एंड 1.5 मिलियन के आसपास का Antutu बेंचमार्क स्कोर प्रोवाइड करा देता है। एंड ये कुछ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के आर्किटेक्चर के सिमिलर ही है, बट नॉट एज पावरफुल एज स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। एंड ये भी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, तो मल्टीटास्किंग काफी इजी हो जाती है इसमें। एंड इसमें हमें एड्रिनो 735 GPU चिप मिलता है, जो कि हमें काफी अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करा देता है। इसमें हमें एंड्रॉइड 14 के साथ साथ Xiaomi HyperOS देखने को मिल जा रहा है, जो कि कुछ सिमिलर है MIUI के एंड कुछ एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स भी है इसमें MIUI ज्यादा, बट अगर आप एक MIUI यूजर हैं तो आपको HyperOS चलाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें की बैटरी जो है वो भी काफी मस्त है, बट मैं इसे डिसेंट बैटरी कहूंगा। इसमें हमें 4700 mAh की एक बैटरी देखने को मिल रही है विद 67W चार्जिंग एंड Xiaomi का क्लेम है कि ये 1600 चार्ज साइकल्स तक रहेगी, मतलब इसकी बैटरी लाइफ 1600 चार्ज साइकल्स है एंड ये 40 मिनट्स में ही 100% हो जाती है, मतलब काफी जल्दी चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसमें PD 3.0 मिल रहा है, मतलब पावर डिलीवरी 3.0, जो कि इसे काफी फास्ट चार्जिंग में हेल्प करता है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें हमें एक्सेलरोमीटर, जायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास एंड कलर स्पेक्ट्रम भी देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें डुअल सिम सपोर्ट, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC मिल जाते हैं। लेकिन सब अच्छा होने से क्या फायदा अगर साउंड ही अच्छा ना हो, तो साउंड क्वालिटी एंड ऑडियो स्पेक्स भी साथ साथ अच्छे होने चाहिए। लेकिन पहले आप कमेंट करके बताइए कि मेरी साउंड क्वालिटी आपके पास कैसे आ रही है। एंड कमिंग बैक, इसमें हमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिल रहा है विद डॉल्बी एटमॉस एंड DXO मार्क टेस्ट में इसका स्कोर 163 है, जो कि एक फेयर स्कोर माना जाता है, मतलब ठीक ठाक है, बट इसे मैं बेस्ट नहीं कहूंगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें 4 माइक मिलते हैं इसमें, जो 360 डिग्री ऑडियो कैप्चर करते हैं एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसका स्कोर 160 है DXO मार्क टेस्ट में, तो ये भी एक डिसेंट स्कोर है एंड बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता इसे। तो टोटल ऑडियो एंड साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें डिसेंट ऑडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी हमें देखने को मिल जा रही है, बट ये बेस्ट नहीं है। यार फोन तो काफी अच्छा एंड हाई परफॉर्मेंस वाला है, तो हीट की प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि भाई देखो किसी से भी ज्यादा काम करवाओगे
करोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो फोन की बात करें तो इसमें हमें Xiaomi ने प्रोवाइड कराया Xiaomi आइस लूप सिस्टम, जिसमें वेपर चैम्बर कूलिंग के साथ साथ ग्रेफाइट लेयर्स भी दिए गए हैं जो कि Xiaomi 14 सीरीज को ठंडा रखते हैं। अभी काम कैसे करता है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, एंड अगर आपको उसके बारे में जानना है कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है फोन का तो कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सो जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके कमेंट पे तो आपके पास वो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोलने वाला, कैसा लगा मेरा मजाक? बट सबसे मेन चीज तो अभी बची ही है, तो वीडियो को कैसे एंड कर सकते हैं। याद है स्टार्टिंग में मैंने बात की थी इसके सबसे एक यूनिक फीचर की, हाँ वही जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया। तो Xiaomi 14 CV में हमें सिमेट्रिक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एंड Xiaomi 14 CV जो है वो फर्स्ट फोन बन जाता है जिसमें हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अभी तक जितने हमने कर्व वाले फोन देखे थे उसमें साइड्स में कर्व रहता था, बट इसमें हमें ऊपर नीचे एंड दोनों साइड्स में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर चला जाएगा। इस डिस्प्ले में आपको फ्लोटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा एंड साइड्स में प्रोटेक्शन के लिए मेटल फ्रेम का भी यूज किया गया है। तो डिस्प्ले के मामले में तो फोन लाजवाब है, मतलब एक्सपीरियंस आपको एकदम 3D क्वालिटी वाला मिलेगा, मजा आ जाएगा देख के। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ओवरऑल फोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना ऑल इन वन जाइंट जो आपको सब कुछ देता है, मतलब हर फील्ड में आउट परफॉर्म करता है ये फोन। तो स्क्रीन पर फ्लैश कर रही वीडियो पे जाकर आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करना एंड लाइक कर देना। मिलते हैं उसी वीडियो में।